क्या निदा करंट अफेयर्स शोज भी कर चुकी हैं, लेकिन मॉडल और एक्टर बनना ज्यादा अच्छा लगा। ओके, तो आपने स्टार्ट एज अ मत पूछे आज किस तरीके से मैंने वो दो साल गुजारे। दो साल तक किया, क्या करती थी बताएं जरा, हम जानना चाहेंगे। मैं करंट अफेयर्स का शो करती थी साजिद हसन जो उनके साथ जी, और सुबह से मैं जाती थी और मैं प्रॉपर बैठ के उसको पढ़ना पड़ता था। मुझे बिल्कुल भी न्यूज में इंटरेस्ट नहीं था और वो इतना ड्राई होता था मेरे लिए और काफी सारी चीजें मेरे सर के ऊपर से जा रही होती थी। तो आप बहुत एनालिस्ट थी उसमें या होस्ट थी? एक्चुअली एक फर्म थी जिसमें वो लोग फेस प्रोफाइल्स को भी हायर करते थे, काफी सारे सेलिब्रिटीज ने किया था, नादिया हुसैन ने। तो उनका ये काम होता था कि वो बेसिकली दे हैव टू रीड द न्यूज और उसपे उन्होंने अपना बताना होता था कि उनका साइड क्या है उस न्यूज पे, उसको डिस्कस करना होता था। तो वो एक शो था। तो आपने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया वो काम? बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। एंड एक्टिंग, आई लव एक्टिंग। मॉडलिंग भी अब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती जितना एक्टिंग लगती है। उसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं। मॉडलिंग में आप गए, आपने कपड़े पहने, पोजेस किए और आ गए, वो डेली कर करके ज्यादा मिलते हैं मॉडलिंग। देखा, ओके जी, ओके। क्या निदा को दीवानगी की हद तक प्यार हुआ था? Yes. मगर उनकी मोहब्बत का जुनून नाकाम रहा। हाय हाय, कब कटा ये कटा कब? यार बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, मत पूछो। छह साल का था रिलेशनशिप। फिर बस फिर उसकी शादी हो गई। अच्छा, मुझे लगा कि उसकी पप्पू ने उंगली, मैं सोया हुआ था, पप्पू आई, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी बना दी। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, कह सकते थे क्या? क्या टोपी क्या करा इन्होंने? मुझे एक दिन अचानक पता चला उसकी शादी हो गई, उसने बताया। What? मतलब इन रिलेशन आप लोग? नहीं नहीं, हम रिलेशनशिप ब्रेक पे थे। घर वाले जो है मान नहीं रहे थे, उसके घर पे थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे एंड कुछ टाइम के लिए फिर हमारी बात नहीं हो रही थी। मैं भी गुस्सा कर रही थी कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं घर वालों के, भाग चलो मेरे साथ। सिर्फ गुस्सा, हम लड़ाई हुई भी थी और बात उस तरीके से नहीं हो रही थी। एंड वन डे आई गॉट अ कॉल कि उसकी शादी हो गई है। अच्छा, उसने मेरे डर से ना फोन वगैरह अपनी शादी पर लाओ नहीं किए हुए थे, कहीं मुझे पता चल के मैं कोई आके मैस ना क्रिएट कर दूं। दहशत है निदा की, अगले ने पूरी शादी में फोन ही अलाउ नहीं किया, जो मेहमान आ रहा सबके फोन जमा हो रहे गेट पे। किसी को परमिशन नहीं थी कि कोई पिक्चर या वीडियो लगाए। फिर शादी हो गई, फिर मुझे पता चला, फिर मैंने उसको कॉल करके कहा, मैंने कहा यार ऐसा सोचा मैं आके मैस क्रिएट करूंगी, मैंने कहा आई एम मोर देन हैप्पी फॉर यू। क्या लड़की है, वाह 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 वाह, वेरी है ना। इंसान खुश रहना चाहिए, अगर वो खुश है किसी और के साथ तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पॉजिटिव, अच्छी बात, वेरी गुड। क्या निदा को क्लास में टीचर से खिताब मिला? गुड स्टूडेंट का बेहतरीन मार्क्स लेने पर। ये मैट्रिक तक है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरने शुरू हुए ग्रेड्स, गिरने शुरू। मतलब मैट्रिक तक निदा की पढ़ाई हो गई? यूं थी और यूं। यार इसके पीछे बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन मैं बताऊंगी। मजाक खराब हो जाएगा ना, जो खराब हो जाएगा। अच्छा, जो खराब हो जाएगा, ओके चलो, है ना। हाँ ठीक, सैड लाइफ शुरू हो गई थी। ठीक है, ओके जी, हम इस सैड लाइफ में नहीं जाते। ओके, क्या निदा ज्यादातर पैसे खर्च करती हैं? हटाइए कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने पर। कपड़ों का थोड़ा फोबिया है। फोबिया? क्यों, डर किस चीज का? मुझे जो है ना होता है कि मैं एक दफा कुछ पहन लेती हूँ, मैं बहुत कम रिपीट करती हूँ कपड़े। कपड़े रिपीट करने का फोबिया है मतलब? हाँ, मतलब खरीदने का है ना, इसमें लिखा हुआ है कि मैं खर्च खरीदती ना। खरीदती बहुत है आप ज्यादा? हाँ, तो मतलब क्योंकि मैं रिपीट ज्यादा नहीं करती कपड़े। क्यों पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि मुझे नया दिखना है, मुझे कुछ डिफरेंट पहनना है, तो मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे बहुत कपड़े खरीदने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब सेविंग शुरू कर दें, खर्चा बहुत बढ़ने वाला है। ओके जी, अगला। क्या निदा के शौहर डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर फॉलोअर्स लड़कियां हैं? जी। ओए होए होए होए, ये तो डॉक्टर ऊपर से डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक्स, फिर देखे ना आप, और लड़कियां लड़कियां हैं तो फिर आप बहुत खतरा है। तो आप रोज जाके क्लिनिक में बैठ जाती हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसे अच्छा चलता है। आप कहां आगे करना पड़ेगा ऐसा कुछ? हां, जिस दिन मेरा शूट नहीं हुआ करेगा ना, तब क्लिनिक पहुंच जाना। बोर हो रही थी मैं, अगर इस वक्त डॉक्टर साहब हेल्प करा दूं आपकी, किसी को कुछ कराना मैं हेल्प करा देती हूं आपकी, आज मैं फ्री थी। वैसे देखो ऑब्वियसली जब आपका हस्बैंड डॉक्टर होता है तो आप एक प्राउड फीलिंग भी होती है कि हां यार मेरा शौहर डॉक्टर है, इतना बड़ा नाम और लोग और जो फॉलोअर्स जानते हैं। तो इनसिक्योरिटी होती है कभी कि यार कोई मुझसे प्यारी लड़की कोई आ गई तो क्या होगा डॉक्टर साहब का?
अच्छा इनसिक्योरिटी होती थी, बट मैंने देखा है कि उसकी जो जितनी भी फ्रेंड्स थी उसमें भी काफी सारी लड़कियां हैं जो कि बहुत प्यारी हैं, एंड आई बिलीव के उसको खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा आप लोगों को ट्रीट जब बहुत करते रौनक मेले में होते हैं फिर इतना फील नहीं होता, एंड आई बिलीव के अब उसको शायद दिल से प्यार हुआ है और अब वो इनसिक्योरिटी मुझे फील नहीं होती, शुरू में लगता था। यार पता कैसे चलता है कि जिसको दिल से प्यार हुआ, मैं ये जानना चाहूंगा। जैसे भी हुलिये में होते हो, अगर आपको कोई प्यार से देखता है या ट्रीट करता है, आपका ख्याल रखता है, तो आपको ऐसा ऐसा फील होना शुरू हो जाता है ना कि somebody is not into your looks, कि आपका सुबह सुबह की शक्ल देख के भी आपको उतना ही प्यार कर रहा है जी जितने आपको शाम में मेकअप वाली शक्ल देख के जी क्योंकि सुबह सुबह यूं ही उठ रहे होते हैं बाल को मुझे क्या पता आप कैसी लगती है सुबह भाई, हमने देखा वैसे तमाशा में सुबह सुबह उठ के कैसे लगते हैं सब। आप देखे एपिसोड 1, 2, 3 देखे, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आप भी फौरन जाके देखे नीता कैसी लग रही सुबह उठ के। प्लीज आगे का देखे, अभी लड़ाइयां देखे, अभी देखे जो अभी क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं।